डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट, जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। मीट कारोबारी वे मेरठ के पूर्व सांसद हाजी शाहिद अखलाक वे उनके बेटों के खिलाफ मुर्गा मंडी के कारोबारियों ने मोर्चा खोल दिया है। इन कारोबारियों का कहना है कि पिछले एक माह से शाहिद अखलाक के बेटे साकिब व आकिब पुलिस की मदद से उनका शारीरिक, मानसिक व आर्थिक शोषण कर रहे हैं। लिसाड़ी गेट थाना पुलिस उनको उठाकर ले जा रही है और पिटाई व पैसे देने के बाद उन्हें छोड़ा जा रहा है। बीते दिवस भी SPCT से इसकी शिकायत करने पर लिसाड़ी गेट थाना पुलिस द्वारा उठाए गए इन छोटे व्यापारियों को पिटाई के बाद छोड़ा गया। मेरठ शहर में संचालित 19 मुर्गा मंडी से जुड़े लोगों ने आज बकायदा इस उत्पीड़न के खिलाफ हड़ताल रखी। हड़ताल के दौरान हुई पंचायत में सभी ने एक स्वर में कहा कि यदि उनके साथ कुछ भी गलत होता है तो उसके लिए शाहिद अखलाक, साकिब अखलाक व आकिब जिम्मेदार होंगे। पैसे व ताकत के बल पर ये लोग पुलिस के जरिए उन लोगों को अलीपुर शिफ्ट करने व उनके स्लॉटर हाउस में मुर्गा कटवाने का दबाव बना रहे हैं। FirstBite.TV के कैमरे पर इस पंचायत व सामने मुखर होकर सामने आए मुर्गा कारोबारियों ने यह कहा, देखिए। मेरा नाम शाहनवाज है जी। शाहनवाज मैं कल यहाँ पे 20 फुट पे पिलोगले पुल पे माल तुलवा रहा था जिंदा मुर्गा लाइव बर्ड, और पुलिस की जीप आई और हमें जो है इसको और मुझे दोनों को उठाया और ले आके पिलोगली चौकी में बंद कर दिया। फिर हम सब पे पट्टे बजाए कि सालो तुम ये अवैध काम है, तुम क्यों करते हो, किसी के दबाव में आकर उन्होंने हमें पकड़ा और ये हमारे हाथों पे निशान है जो हमारे पट्टे बजाए हैं और पैसे लेके जो हमें छोड़ा गया है, और पैसे वैसे सब हमारे निकाल लिए और बाद में फिर पैसे लेकर छोड़ा गया हमें और मारा पीटा बहुत है हमारा। हमें मारा जी फरमान कांच के फूल फरमान कांच का फूल मैंने मना। बताइए क्या मसला है, क्यों मीटिंग हो रही है जी? हाँ, मुर्गा मंडी में खड़े थे, मुर्गा लेने गए थे, हम आज उठाया गया और थाने में जाकर हमको बजाया गया जी। अच्छा, किसने उठाया, क्यों उठाया? पुलिस वालों ने जी, बस वाले उठा कर ले गए जी। किसी के दबाव में उठाया गया, किसी दबाव में उठाया गया। मेरा नाम है HBH अंसारी, मेरठ पोल्ट्री सेंटर मेरठ 40। हाँ, ये मीटिंग हो रही है, इसके अंदर कुछ लोगों की मेरे पास शिकायत गई कि इन्हें दुकानदारों को उठाया जा रहा है और मारपीट हो रही है और पैसे लेके छोड़ रहे हैं मंडीदारों की। कई लड़कों को कल भी उठाया, मैं यहाँ नहीं था, फार्म पे था, उनके साथ काफ़ी ज्यादती की गई और पैसे लेके छोड़ा गया। दूसरी चीज़ ये है कि आज की तारीख में अब ये जो कारोबार चल रहा है, इस चिकन का कारोबार है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, इससे बहुत सारे लोग जुड़े हैं, हरियाणा, पंजाब, पूरा उत्तर प्रदेश जुड़ा हुआ है, वहाँ से माल आके कुछ छोटे मंडीदार हैं हमारे यहाँ, रुपये 2 रुपये पे ये माल को बेचते हैं, कुछ लंबी चौड़ी उसमें कमाई नहीं है। इसके बाद दुकानदार लेते हैं फुटकर, वो अपना दाल रोटी अपने घर बच्चों की रोटी रोजी चलाते हैं, इसमें कुछ ठेले वाले भी जुड़े हैं, कुछ बेचारे कटर हैं, छोटे बच्चे, बहुत सारा समाज इससे जुड़ा हुआ है। इसके अंदर इस कदर ज़्यादती हो रही है, किसी के दबाव में आने के बाद वो कहते जी मेरे यहाँ मैंने वो बना लिया सेनेटर, मेरे यहाँ आइए, वहाँ जाके 5-10 रुपये किलो की वो डिमांड करते हैं, सुनने में आया है। अब 10 रुपये किलो मंडीदार को या फार्म दुकानदार को नहीं मिल रहा आज की तारीख में, वो कहाँ से देगा, और नहीं देगा तो उसके पिटवा रहे हैं और पैसे ले रहे हैं। इस प्रकार से धमकी मिल रही है, ये सब जुड़े हैं, सारी दुकानदार इस वक्त मौजूद हैं और सब मंडीदार मौजूद हैं। इसमें हमारा जो है आपके माध्यम से आगे ये योगी तक बात पहुँचे, आगे पहुँचे, इसे भी मारा बच्चे को, पूरी बात नहीं होने देता। हम ये चाहते हैं कि ये हमारा जो है इस तरह का कोई हमारे ऊपर दबाव ना हो और ये काम चले, और जो कोई हमारी तरफ से कोई परेशानी है किसी को गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन से, तो बेशक हमें इत्तला दें आपके माध्यम से, उसको हम पूरी करेंगे। आज हड़ताल की गई इसी पर्पज से, और हड़ताल ये कंटिन्यू चलेगी, और जो इसका समाधान हमारा नहीं किया गया। आप लोगों को
नहीं, अभी शिकायत नहीं की है, अब ये आपके माध्यम से वैसे की थी, लिखित में नहीं दी ना, अभी लिखित में दी है। मसला यही है जो ये इस टाइम परेशान करा जा रहा हमें कि भाई यहाँ से मंडी उठा के आप अलीपुर ले जाइए, अब यहाँ रुपए दो रुपए किलो पे काम है, वहाँ 10 रुपए किलो की हम कमीशन देंगे तो कैसे काम चलेगा। छोटे छोटे दुकानदार हैं, इस वजह से कल एसपी सिटी साहब से मिले थे हम, उन्होंने जो लोग पकड़े गए थे 5-7, उन लोगों को गया थाने के अंदर, वहाँ उनके कहने के ऊपर छोड़ा गया हमें, अन्य और सब पिटाई होती लोगों की। अब तो रहा है का? ये तो एक डेढ़ महीना हो गया। बोलो जी, बोलो जी, बोलो। मेरा नाम शान मोहम्मद है, बोलो। मेरा नाम शान मोहम्मद है, मेरी मंडी है निसालगढ़ क्षेत्र में। मुझे टॉर्चर कर जाता है, एक महीने पहले मुझे पकड़ा गया, मेरे छोटे भाई को पकड़ा गया, हमसे 70,000 रुपये लिए, मेरी DVR लेकर निकाल के हमें सुबह को पकड़ा, शाम को छोड़ा, हम तो 12 बजाई, और हमें एक आजीब लड़का है वो हमें टॉर्चर करता है, मैं व्हाट्सअप कॉल करता हूँ, वो जितने मंडी वाले हैं, जितने भी हम मंडी वाले हैं, हमें से किसी को कुछ होता है उसका जिम्मेदार हाजी आकिब होगा। वैसे नो कर रहे हैं वो, हम पे पैसा बनाते हैं हर चीज़ का, कभी किसी को भेजते हैं, कभी किसी को भेजते हैं, हमें टॉर्चर करा जा रहा है रोज डेली, ऐसा कोई घंटा नहीं है जिस टाइम हमें कॉल ना आती हो। फिर कह रहा हूँ मैं, हम पे जितने मंडी वाले हैं, हमें किसी को कुछ भी होता है उसका जिम्मेदार आकिब होगा। हमारा समर्थन करा बढ़िया करके, जो हमारे मेंबर पकड़े हुए थे उन्होंने तुरंत छुड़वाया, हम बोले स्पीडी के पास गए थे। ये परेशानी नुवारी है, वो दबंग आदमी है, हम पर दबाव बना रहे हैं। हाजी शायद अखलाक साकिब उनका बेटा है, बड़ा वाला उनका बेटा है, साथ में उसका आगे भी है। मैं फिर कह रहा हूँ, हम 19 मंडी वाले हैं, ध्यान रखना, हमें से किसी को कुछ होता है उसका जिम्मेदार साकिब अखलाक आगिब होगा, ठीक है जी। आज हमारा धरना है पूरे मेरठ शहर का, हमारा समाधान नहीं हुआ तो हड़ताल करेंगे बराबर, जितने तक हमारा समाधान नहीं होता, ठीक है जी। अधिकारी के हम कल पास गए थे सिटी के पास, उन्होंने हमारा समर्थन करा बहुत बढ़िया करके, उन्होंने हमारी सुनी बातें, जो हम पे वीडियो हैं, जो पुलिस वाले लेकर पकड़ के हम पे सब वीडियो हैं, जो हमें लोग कॉल कर रहे हैं, हम पे उनके व्हाट्सअप कॉले भी हैं, जो हमें धमकी दे रहे हैं वहाँ पर लिपुल ले आने की, वहाँ पर मंदिर है, ठीक है जी। सुबह सात बजे आते हैं वहाँ मंदिर है, हमारा आदमी को मारते हैं, हम एक महीना हो गया, हमें टॉर्च हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, हम थाना निसाड़गढ़ थाना है, सामने वाली चौकी है हमारी, ठीक है जी। हमारे पास हर चीज़ का सबूत है, हमारे पास फुटेज हैं जहाँ हमारा काम होता है, ठीक है जी। अधिकारी से मिलने का आवाज जाएंगे हरियाणा, जो हमारे बड़े जो हैं इस पोल्ट्री फार्म के जो प्रधान हैं, हम उनके पास जाएंगे हरियाणा, हम उनसे मीटिंग करेंगे आज इस बारे के अंदर। मेरा नाम मोहम्मद जुहेब है। परेशानी ये, हम लोग सब काम कर रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, एक नंबर में काम कर रहे हैं, हमको दो नंबर का काम करने रहे, हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं हम दिखाने के लिए तैयार हैं, अगर नहीं है तो हमें सरकार बताए कि क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, हमें बनाकर दे, हम अपनी अपनी जगहों पर काम कर रहे हैं, कोई हमारे पास दो नंबर की जगह ही नहीं है, सब ढक्के काम होता है और दायरे में काम होता है सब, और ये लोग हमें परेशान कर रहे हैं, फ़ोन करते हैं, ये आकिब है, आई शाहिद का बेटा साकिब अखलाक है, ये हमें कॉल करते हैं और ये कॉल करके हमसे कहते हैं हमारी जगह पे जाओ, हमारी जगह पे आओ और हमें जो है पैसे दो, ये हमसे फिरौती मांग रहे हैं, हमारा सारा कारोबार एक नंबर में है जी। नहीं, हम उनके पास गए थे, कोई नहीं मिलता हमें वहाँ पे, हमें भगा दिया जाता है, उनका बेटा या उनका उनके जो ग्रुप के लोग हैं वो हमें धमकी देते हैं फ़ोन करके, पूरी पुलिस को पैसा भर रहे हैं ये लोग, हम पे इतना पैसा नहीं है कि हम बार बार छुटके आते रहें, हम गरीब लोग हैं, इतना थाना निसालगढ़ है, हमारे खिलाफ जो कुछ भी होता है हम इनके जिम्मेदार आकिब और साकिब होंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv। नमस्कार।